इस धरती पर अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा नहीं करता है, तो हमारे मन में उसके लिए कुछ बहुत सकारात्मक भाव नहीं होते। हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते और हम इसने हमारे साथ क्या किया को लेके एक दुर्भावना जैसी हमारे मन में होती है। अब जो व्यक्ति इस धरती पर, जिस आत्मा के साथ इस धरती पर हमारा अकाउंट अच्छा नहीं है, किसी ने किसी भी रूप में, किसी ने आपको धन से हानि पहुंचाई, किसी ने आपको किसी ने आपका अपमान किया, किसी तरह के कोई भाव है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो मृत्यु के बाद जब ऐसी दो आत्माओं की एक दूसरे से मुलाकात होती है, तो परिस्थितियां कैसे होती हैं? क्योंकि ये तो अब तक हम समझ ही चुके हैं कि पृथ्वी का सोचने का नजरिया, जब आत्मा शरीर के अंदर है उसका सोचने का नजरिया, और जब वो आत्मा लोक में है तब सोचने का नजरिया, दोनों अलग-अलग हैं। क्योंकि बहुत बार ये चीज समझ नहीं आती कि जिससे यहाँ इस धरती पर हमारे अकाउंट अच्छे नहीं हैं, जिसने यहाँ गलत किया है, उससे जब हम वहां मिलते हैं आत्मा लोक में, तब हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा? पहली बार जब हम अपने मार्गदर्शक से मिलते हैं, तो किस तरह से वो हमें सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, और हमारे इस धरती पर जो विचार थे, गलत विचार जिसे हम कहते हैं जलन कुढ़न जैसे, वो कैसे समाप्त होते हैं? जब हम आत्मा लोक में जाते हैं, वहाँ जो हम एक स्थान से गुजरते हैं, वहाँ पर किस तरह से हमारे विचारों को, हमारी ऊर्जा को शुद्ध किया जाता है, इन सब बातों के विषय में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। इन सबसे आगे बढ़ते हुए अब उस चीज को हम स्पष्ट करेंगे जब हमारी पहली मुलाकात होती है किसी ऐसी आत्मा से जो जिसके साथ हमारे अकाउंट इस धरती पर अच्छे नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक ऐसे केस का जिक्र कर रही हूँ जिसमें कार्ल, जो कि उसके पिता का नाम था, और रे, जो कि बेटे का नाम था। रे ने जब पास्ट लाइफ में अपने पिता को देखा, जो पास्ट लाइफ में उसके पिता थे उन्हें देखा, उस आत्मा को देखा, तो वो आत्मा उसके साथ बिल्कुल भी जीवन काल में अच्छी नहीं रही। क्योंकि जो उसके पिता थे वो एक शराबी और दूसरे को दबा के चलने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, दूसरे को अपने कंट्रोल में रखने वाले, जिस जैसे एक सामने वाले की भावनाओं का तिरस्कार करना, इस तरह का जो शख्सियत जैसे होती है, उस तरह की शख्सियत उनके पिता थे। और वो अपने इस व्यवहार से हमेशा अपने पुत्र को आहत किया करते थे, यानी जो उनकी संतान थी उसके साथ पिता और पुत्र के रिश्ते आपस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्योंकि पिता के लिए पुत्र की जो भावनात्मक, उसको प्यार चाहिए, जो भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, वो शून्य थी। शून्य ही नहीं थी, बल्कि वो उसे चोट, भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाते थे। अब जब इन दोनों आत्माओं की मुलाकात आत्मा लोक में होती है, तो स्थिति क्या थी? यहाँ पर जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, जैसे धरती पर हमारी सोच होती है, वैसी सोच आत्मा लोक में नहीं होती। आत्मा लोक में दो आत्माएं अपने विचारों की ऊर्जा और जो जिंदगियां उन्होंने साथ गुजारी हैं, उनकी सारी जो स्मृतियां हैं, सारी जो घटनाएं हैं, सारी जो यादें हैं, सारी जो मन की स्थितियां हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे दो मनों का आदान प्रदान हो रहा है। कार्ल के बेटे के रूप में रे ने एक जीवन जो जिया, उसकी पहचान का हर गण, हर कण, हर याद, हर घटना जस की तस काल के अंदर हस्तांतरित होती है। यानी पूरा एक रे का, उसके बच्चे का मन उसके पिता के मन की जगह पहुंच जाता है। और ठीक इसी तरह से उसके पिता के रूप में जो कार्ल है, उसकी जो भी यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, जो कुछ भी है, वो बेटे के अंदर हस्तांतरित हो जाता है। जो ये ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जो ये मन का हस्तांतरण होता है, ये बहुत छोटे वक्त के लिए होता है, बहुत क्षणिक होता है, बहुत कम वक्त का होता है, लेकिन पूर्ण रूप से होता है। ये एक तरह से ऐसा है जैसे कि धरती पर उस व्यक्ति ने जो जीवन जिया है उसको जी रहा है, एक दूसरी आत्मा उसको जी रही है, ये कुछ इस तरह से है। और एक आत्मा समझ लीजिए, वो जो हस्तांतरण के पल हैं, वो जो कुछ समय के लिए ये हुआ है हस्तांतरण, उसमें पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन चुका है। और वो उस जिस स्थिति में
उसके पिता थे, कार्ल की जो स्थिति एग्जैक्टली थी या रे की जो स्थिति एग्जैक्टली थी, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल, उनकी यादें, उनके मन ऐसी ही स्थितियों में जी रहे हैं जैसे कि धरती पर दो आत्माओं ने शरीर बदल लिए हों, जीवन बदल लिए हों, कुछ इस तरह से जी रहे हैं। और ये जो मन का आदान प्रदान होता है, ये बहुत अधिक क्षमाशीलता को लिए हुए होता है, बहुत अधिक। जैसे कि धरती पर क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि दूसरे की जूती में पैर डालकर देखिए, दूसरे के स्थान पर खड़े होके स्थिति का निरीक्षण कीजिए, ये बातें हमें इस धरती पर बतलाई जाती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरे की नजर से परिस्थिति को देख पाते हैं, और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम उसे माफ भी कर पाते हैं, क्योंकि हम उसकी सारी स्थिति समझ रहे हैं, तो हमारे मन में एक माफी भी उत्पन्न होती है। अब आत्मा लोक में तो इससे कहीं ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर कितने ऊंचे दर्जे की क्षमाशीलता का शुरुआत होती होगी, कितने ऊंचे दर्जे की क्षमाशीलता उत्पन्न होती होगी, इसे इस बात से समझ लीजिए कि यहाँ पे दो मनों का एक दूसरे में विलय जैसे हो रहा है। सिर्फ इतना सा नहीं हो रहा, इससे भी आगे हो रहा है। ये दोनों ही उन परिस्थितियों को भी अनुभव कर पा रहे हैं जिसमें इन दोनों आत्माओं ने अपने लिए ये वाले शरीर चुने थे। स्थिति यहां तक भी होती है कि एक आत्मा ये तक महसूस कर पाती है कि ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ना होता, इसका अभाव होता तो क्या होता। और जब ये मनों का आदान प्रदान होता है तो उसके बाद क्षमा करने जैसी भी बात नहीं होती। ये क्षमा, तो क्षमा करना ये भी एक भाव है, ये भी कहीं अपने आप को हम ऊंचा दिखा रहे हैं क्योंकि हम क्षमा करने वालों में हैं, ये चीज ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। और जब ये स्थिति से आत्माएं गुजरती हैं तो वो एक तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं, उनकी आपस की समझ पूरी हो जाती है और वो फिर से एक दूसरे की जिंदगी में आने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब तक के लिए जब तक कि लेसन पूरा ना हो जाए। अब इस स्थिति से भी पहले की स्थिति पर हम आते हैं जब रे की आत्मा यानी पुत्र की आत्मा धरती पर ही है लेकिन पिता की आत्मा आत्मालोक पहुंच चुकी है। वहां पर जबकि अभी उस आत्मा का आपस में जो धरती पर उन्होंने एक अकाउंट किया था, ये जो मनों का आदान प्रदान है ये हुआ भी नहीं है। पुत्र के रूप में वो अभी धरती पर जीवन जी रहा है, पिता के रूप में वो आत्मालोक में है। बेशक रे की आत्मिक ऊर्जा आत्मालोक में होगी लेकिन उसके साथ मनों का आदान प्रदान तो नहीं हो सकता। यानी जो पिता है, पिता और पुत्र के जो मनों का आदान प्रदान है वो तो तब होगा जब दोनों आत्माएं आत्मालोक में होंगी। अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि रे की आत्मिक ऊर्जा तो आत्मालोक में थी लेकिन उसके साथ मन का आदान प्रदान नहीं होगा। रे के आने से भी पहले, रे से मुलाकात से भी पहले, जब कार्ल आत्मालोक में था तब भी उसने जो अपने जीवन की समीक्षा की, उसका जो मूल्यांकन किया, कार्ल ने जो अपने बेटे को पीड़ा दी, जो अपने बेटे को कष्ट पहुंचाया, वो उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि उसने ये काम किया है। अगर कोई पारिवारिक सदस्य या आपका कोई मित्र है जो बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो आपके जीवन में आपके प्रति उदासीन है, वो भी किसी उद्देश्य से है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं जो आपको भावनात्मक चोट पहुंचाता है, चिड़चिड़ा है, आपके प्रति व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, तो भी अपने आप से सवाल कीजिए, मैंने इस व्यक्ति की निकटता से इसे अपने जीवन में लाकर क्या सीखा? ये व्यक्ति मेरे जीवन में ना होता तो मैं क्या नहीं सीख पाता? पूर्व जीवन में जो ये कार्ल पिता और रे संतान के रूप में था, आज इस जीवन में भी कार्ल बड़े भाई के रूप में है और रे छोटे भाई के रूप में है, और आज भी कभी कभी जो बड़े भाई का यानी कि कार्ल का व्यवहार है वो रे के साथ उसी तरह से भावनात्मक कठोरता के साथ पेश आता है। मतलब कई बार जो पास्ट लाइफ में कार्ल ने पिता के रूप में किया रे के साथ, वही वो इस जन्म में बड़े भाई के रूप में रे के साथ करता है। और पूर्व जन्मों में जो रे की बेटी थी, आज वो रे की माँ के रूप में है।
अब यहाँ पर रे की एक और समस्या थी। रे के अंदर शर्म की भावना बहुत अधिक है। इस जीवन में रे बहुत अधिक शर्मीला व्यक्ति है, लेकिन यहाँ शर्म उसके लिए सही नहीं है, ये उसके व्यक्तित्व को हानि पहुंचा रही है, क्योंकि उसके अंदर जो ये शर्म है वो मैं अच्छा नहीं हूं ऐसी एक तर्कहीन भावना की वजह से है। लेकिन फिर भी रे को हम एक मजबूत आत्मा की कैटेगरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन आत्माओं से है जो अपने लिए मुश्किल जीवन चुनने से घबराती नहीं है, वो अपनी उन्नति के लिए मुश्किल जीवन का चुनाव करने से भी नहीं डरती। मैंने जो दूसरा चैनल शुरू किया है जिसका नाम पाथ ऑफ हैप्पीनेस है, उस पे भी एक दो इस तरह के प्रश्न आए हैं। कुछ कम्युनिटी में भी एक ऐसा प्रश्न आया था कि क्या आपने परमानंद को पा लिया है? जी नहीं, मैंने परमानंद को नहीं पाया है। मैं सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य उस परमानंद को पाना लेकर चल रही हूँ। वो मेरा उद्देश्य है, मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी उसे हासिल नहीं किया है। पाथ ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ मेरी उस रास्ते पर एक कोशिश है। मैं जो जीवन मैंने जिया, जो कुछ मैंने सीखा, उसका कुछ निचोड़ जो हाथ में निकल के आया, कुछ मैं ये नहीं कहती कि मैंने परमानंद को पाया है, लेकिन मैंने अपने जीवन का लक्ष्य वो बनाया है, वो मेरा पाथ है। अभी मुझे मेरी डेस्टिनेशन हासिल नहीं हुई है, लेकिन मैंने अपने इस पाथ ऑफ पीस चैनल से एक चीज सीखी है। इस चैनल को चलाते चलाते ही मैंने नोटिस करी ये बात कि दूसरों तक पीस पहुंचाते पहुंचाते सुकून मेरे जीवन के अंदर शामिल हो गया, वो ऑटोमेटिक हो गया। वो मैं उस वक्त को सोचती हूँ जब मैंने वो चैनल शुरू किया था, और मैं आज के वक्त में अपने आप को देखती हूँ तो मैं अपने मन को बहुत सुकून की अवस्था में पाती हूँ। ये सब कुछ बहुत सोच विचार के नहीं हुआ, ये बस यूं ही हो गया। ये कुछ ऐसा है जैसे गुलाब बेचने वाले के हाथ से गुलाब की खुशबू बस यूं ही आती है, वो सेंट नहीं लगाता अपने हाथों में, वो हाथ में गुलाब का फूल लेकर नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसके हाथों से गुलाब की खुशबू आती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ ये चैनल चलाते हुए जो मेरी जर्नी रही है, पाथ ऑफ पीस को चलाते हुए जो मेरी यात्रा रही है, मैंने उससे ये चीज़ सीखी है। और यकीन मानिए, ये कहानियाँ, ये कहावतें तब तक सिर्फ शाब्दिक होती हैं जब तक आप इनको जीवन में जी के महसूस नहीं करते। मैंने ये कहानी कई बार पढ़ी थी कि गुलाब बेचने वाले के हाथ से गुलाब की खुशबू आएगी, लेकिन मैंने इसे कभी समझा नहीं था, एक कहानी थी। लेकिन पाथ ऑफ पीस चरण चलाते हुए मैंने महसूस किया कि ऊपरी नहीं, बस यूं ही जब कोई आपको दुआ देता है तब नहीं, जब किसी की दुआ किसी के दिल से निकलती है, कोई आपको आपको सचमुच आप आपकी वजह से उस तक सुकून पहुंचा है इसलिए वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में काम करती है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अब इसी तरह से मेरा पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल भी है। हैप्पीनेस मेरी लक्ष्य है, लेकिन मैं उस पाथ पर चल रही हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब अगर मैं दूसरों तक हैप्पीनेस पहुंचाने की वजह बनूंगी तो मेरे जीवन में तो हैप्पीनेस यूं ही आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए, पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल मेरा लालच है, उस परमानेंट हैप्पीनेस को पाने का लालच है वो। मैंने अभी उस परम आनंद को नहीं पाया है, लेकिन उसे पाने की ओर कदम जरूर बढ़ा दिए हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस धरती पर अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा नहीं करता है, तो हमारे मन में उसके लिए कुछ बहुत सकारात्मक भाव नहीं होते, हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, और हम इसने हमारे साथ क्या किया को लेके एक दुर्भावना जैसी हमारे मन में होती है। अब जो व्यक्ति इस धरती पर, जिस आत्मा के साथ इस धरती पर हमारा अकाउंट अच्छा नहीं है, किसी ने किसी भी रूप में, किसी ने आपको धन से हानि पहुंचाई, किसी ने आपको किसी ने आपका अपमान किया, किसी तरह के कोई भाव है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो मृत्यु के बाद जब ऐसी दो आत्माओं की एक दूसरे से मुलाकात होती है,
तो परिस्थितियां कैसी होती हैं? क्योंकि ये तो अब तक हम समझ ही चुके हैं कि पृथ्वी का सोचने का नजरिया, जब आत्मा शरीर के अंदर है उसका सोचने का नजरिया, और जब वो आत्मा लोक में है तब सोचने का नजरिया, दोनों अलग अलग।